हेलो दोस्तों, डीएस बिंजो क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अलंकार के विषय में बात करेंगे। एक भाई हमको फ़ोन लगाया था, कॉल किए थे कि अलंकार क्या है सर, जिनको भी पूछते हैं तो अलंकार से करें, प्रैक्टिस ऐसे करके बोलते हैं, तो अलंकार क्या चीज़ है उनके बारे में आज पूरा विस्तार से बताइए ऐसा करके। तो उन्हीं के बारे में आज अलंकार के बारे में बात करेंगे, अलंकार क्या है और अलंकार करने से बेनिफिट क्या है, उसी के बारे में आज बात करेंगे, है ना। वीडियो के अंत तक बने रहिए कि अलंकार क्या है आपको पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले हारमोनियम में बात करेंगे, हारमोनियम के बारे में। हारमोनियम रहता है तीन ऑक्टो और सप्तक। सप्तक बोलते हैं कई लोग हिंदी में और कई लोग ऑक्टो बोलते हैं, है ना। तो हारमोनियम में रहते हैं तीन ऑक्टो, बेंजो में रहते हैं दो ऑक्टो और कीबोर्ड में रहता है पाँच ऑक्टो, ठीक है दोस्तों। क्लियर हो गए। अब हमारा बेंजो है, ये प्रोफेशनल बेंजो है ना, बेंजो है ये 29 बटन का। तो सबसे पहले अपने को घर ढूंढना रहता है। घर ढूंढना मतलब जैसे अभी बहुत सारा हम लोग गाना किए, राग किए, अलंकार भी किए, बहुत सारे किए। तो अलंकार यहाँ से किए थे हम लोग, तो ये हमारा घर समझे थे हम लोग, है ना। तो इसी के फिर से अपन रिटर्न बता रहे हैं एक समय के लिए, क्योंकि वो बंदे बेचारा पूछ रहा था, इसी कारण फिर से बताना पड़ रहा है अपने को। उसका भी सवाल अच्छा है, है ना। तो उसके बारे में आज बात करेंगे, अलंकार क्या है, तो है ना। तो सबसे पहले बेंजो में बात करेंगे। हारमोनियम बताया आपको तीन ऑक्टो और कीबोर्ड में बताए हैं हमने पाँच ऑक्टो, ठीक है। तो बेंजो में रहते हैं दो ऑक्टो। दो ऑक्टो बोले तो जैसे यहाँ से अपन सरगम बजा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये हुआ एक ऑक्टो, ठीक है। एक ऑक्टो में क्या क्या आ रहा है, कितना बटन आ रहा है, देख उसको देखते हैं। एक गिनेंगे तो सात होगा, सरगम का सुर सात होता है ना। लेकिन आप लोग को ऑक्टो गिनना है, तो ऑक्टो के लिए आपको यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ का ईसा का छोड़ कर बाकी यहाँ तक गिनना है। आप लोग को कितना बटन आ रहा है उसको देखते हैं। 12 बटन आ रहा है, ठीक है दोस्तों। एक ऑक्टो हुआ, अब इंजो का दूसरा ऑक्टो, दूसरा ऑक्टो देखेंगे तो एक खुला रहता है, आपको बताया था, ठीक है। एक सा खुला उधर है जो को नहीं दिखेगा, जो खुला जो सवाल है इसी सा इसी में है बेंजो, है ना, वर्तमान भी। एक सा ये हुआ, एक सा खुला है, ठीक है दोस्तों। ये हो दो ऑक्टो, ठीक है। बेंजो का आपको इतना समझ आगे होगा कि दो ऑक्टो रहता है ना। अब उसमें अलंकार, अलंकार बोले तो अलंकार ही सरे गामा ही है, ठीक है दोस्तों। यही है अलंकार है। इसमें का बहुत सारा अलंकार आपको बता भी दिया था वीडियो में, एक बार फिर से और बता देता हूँ अलंकार। ठीक है दोस्तों, ये हुआ ये हुआ एक अलंकार। बहुत सारा अलंकार है अपने पास, आपको बहुत सारा वीडियो में बता चुका हूँ। अभी हमारे में राग चल रहा है, अभी वीडियो में बहुत सारा राग भी बता चुका हूँ। ये अलंकार जानना इस कारण जरूरी था, बहुत इसके बिना अधूरा है, है ना। बहुत सारे बिगनर लोग बोलते हैं कि अलंकार क्या है, सभी लोग बोलते हैं अलंकार प्रैक्टिस करो करके। तो अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बेनिफिट ये है कि आपका हाथ फाइन होगा गाना बजाने के लिए। कुछ भी आप गाना बजा रहे हो, जैसे कुछ छेड़ भी रहे हो, ये भी बजाए भी छेड़े है ना, कुछ भी बजाए, तो ये भी है जो अपने दो ऑक्टो में ही चल रहा है, दूसरा ऑक्टो में तो जा नहीं रहा है ना। अलंकार प्रैक्टिस इस कारण जरूरी है कि आपका हाथ फाइन हो, सब जगह पहुंचे एक बार में। अभी ये थोड़ा सा ये पीस है, आपको यहाँ से कभी कभी पीस आएगा, अलंकार प्रैक्टिस करने के लिए आपको सलाह दिया जाता है, है ना दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये हुआ आज का लेसन कंप्लीट।
आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके आप बता सकते हैं, आपको नंबर दे जाए, कॉल करके आप संकट दूर कर सकते हैं। दोस्तों अभी गणेश चतुर्थी आने वाला है, अभी समय आप लोग के लिए बहुत 2 महीने लग रहा होगा, लेकिन अभी बहुत नज़दीक है हम लोग के लिए, क्योंकि हमको खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो उसी कारण वीडियो थोड़ा लेट से होगा, मैं क्षमा चाहूँगा उसके लिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बड़ा सीजन है गणेश चतुर्थी, हमारे छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, हम छत्तीसगढ़ से हैं प्रॉपर। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।